हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो आपके बच्चों के लिए एंड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम लिक्विडेटर या कॉयल कैरी कर नहीं सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए रहता है इस क्रीम के फॉर्म में जो हम अप्लाई करें और झट से बाहर निकल जाए एंड मच्छर का प्रॉब्लम भी ना हो। मच्छर काटने से बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, तो इन सब से बचने के लिए ये वाला मैंने रिसेंटली मंगाया था। ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी कि मैं इसका रिव्यू करूं, आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा इसके साथ, तो आज वो दिन आ गया है। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूं, ये है मामा अर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जेल। बहुत ही हैंडी है, सीरियसली बहुत ही हैंडी है, बहुत ही अच्छा है। एंड ये वाला आता है 99 रुपीज़ में। एक्चुअली मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे मेरी बच्ची यू नो प्रोटेक्टेड रहे मॉस्किटो से वगैरह बाहर जब जाती हूँ तो। एंड बहुत सारे बच्चों को ऐसे रहता है कि मन में ममाज को मन में एक्चुअली डाउट रहता है कि ऐसे कॉइल्स का धुआं या लिक्विडेटर कुछ सेफ़ रहता है या नहीं, बट लिए उन सब के लिए ये वाला तो बहुत ही रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। स्टार्टिंग से एंड तक देखना मत भूलिए। तो देखते हैं, पूरा रिव्यू करके बताती हूँ मैं आपको, मेरा एक बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बहुत दिनों तक आया है। इनफैक्ट एक महीने से यूज़ कर रही हूँ, डेली लगाती हूँ अपने बच्चे के पाँव पे या जहाँ भी ओपन एरिया रहता है वहाँ। एंड कुछ भी इरिटेशन नहीं हुआ है, कुछ भी इचिंग या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। शी इज़ सेफ एंड वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दिस। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके पास रहेगा एक बेल आइकन, बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट मेरे सारे वीडियोस के सारे जो भी मैं अपलोड्स करूँगी उसके सारे अपडेट्स आपको अपने नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर गिव अवे भी है, तो पार्टिसिपेट करना मत भूले। गिव अवे के रूल्स सारे कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन स्टफ। तो ये वाला है मामा अर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जेल। ये वाला लेमन ग्रास का आता है, लेमन ग्रास एंड सेंट्रोनेला, सेंट्रोनेला एंड लेमन ग्रास का आता है। सेफ इफ इनडाइजेस्टेड करके उन्होंने मेंशन किया है। इसका मतलब है कि अगर आपका बच्चा बाय मिस्टेक मुंह में डाल लेगा तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ है एंड 100% नेचुरल है। इसमें कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं दिया है। बाहर से भी अगर स्मेल देखोगे, स्मेल अगर सूंघोगे तो इसका लेमन ग्रास का ही स्मेल आएगा। ये वाला आता है 50 ml में, 50 ml आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैंने ये मंगाया था अमेज़ॉन से, तो इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, मस्ट बाय है अगर आप कुछ पार्टी या कुछ कहीं और रात को जा रहे हो एंड आपको लगता है कि वहाँ मच्छर वच्छर बहुत सारे हैं एंड प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा अपना बच्चा, तो ये लगा के आप जा सकते हो पक्का। पहले यू नो एक्चुअली ये हुआ था कि हम बाहर गए थे, गांव में गए थे जहाँ लिक्विड वगैरह लगाना कुछ मुश्किल था क्योंकि बहुत ही गर्मी थी, हमें ऊपर सोना था छत पे। तो उसी टाइम पे मैंने देखा कि मेरे बच्चे के बॉडी पे पूरा मच्छरों का दाग, इतना सारा कुछ पड़ गया था। आई वॉज लिटरली स्कैर्ड। तब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया था कुछ रिपेलेंट वगैरह, बड़ों के लिए आता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था ढूंढना, तो इसीलिए मामा अर्थ का एक मिल गया था। तो फाइनली मैंने यूज़ किया एंड अब एक भी दाग नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं है, मच्छर भी पास नहीं आते हैं, उतना अच्छा रिपेलेंट है। एंड अगर मैं इसका डायरेक्शन अप्लाई करने का डायरेक्शन अगर बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स उन्होंने क्या क्या डाला है। इसमें है एक्वा, लेमन ग्रास ऑयल, सिंट्रोनेला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिवर जेल एंड गुआरगम। तो ये सारा कुछ नेचुरल ही है, इसमें कुछ भी उन्होंने केमिकल वगैरह नहीं यू नो मिक्स किया है या इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ बताती हूँ। जल को आपको कहीं भी एक्सपोज्ड एरिया में आपको अच्छे से लेना है, लेके आपके
जहाँ भी एक्सपोज एरिया है बच्चे का वहाँ आपको लगाना है। लगा के आपको अच्छे से मसाज कर देना, मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहेगा, लेमन ग्रास का स्मेल है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहेगा। आई एम श्योर कि उससे कुछ इरिटेशन नहीं होगा बच्चों को, तो कुछ प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह नहीं होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये बच्चा बच्चे के मुंह में या आँख में, एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, अगर लग गया तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छे से वॉश कर दीजिए। एंड जहाँ भी कट्स हो या वूंड हो, कुछ भी हो, जहाँ थोड़ी सी चोट वोट लगी हो वहाँ लगाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर ये अंदर चला गया तो पता नहीं तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसीलिए वहाँ थोड़ा अवॉइड करना ज़रूरी है। ये वाला आता है एक ट्यूब के फॉर्म में, ये वाला ऐसे ओपन करना है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी देख, बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हो ऐसी वाली कंसिस्टेंसी आएगी, बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है, तो आराम से आप लगा सकते हो। मैं बताती हूँ आपको, ऐसे तो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है, बहुत ही यू नो सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा यू नो इसका स्मेल स्ट्रॉन्ग है, लेमन ग्रास का स्मेल स्ट्रॉन्ग है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। ये आप खरीद सकते हो अमेज़ॉन से, मोस्टली बाहर भी, आई एम नॉट श्योर कि ये बाहर अवेलेबल है या नहीं, अमेज़ॉन में तो पक्का अवेलेबल है। इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें लिखा है। और एक और बात, ये 8 घंटे का प्रोटेक्शन देता है आपके बच्चे को, 8 घंटे का प्रोटेक्शन। तो 8 घंटे तक आप विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आराम से रह सकते हो, तो आपका बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये वाला था मेरा रिव्यू, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिकमेंडेड है, तो ट्राई कर सकते हो आप ये मंगा के। तो ये रहा था मेरा रिव्यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, सो दैट मेरे आगे के अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।